हेलो एवरीवन, आपके लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारा टॉपिक है व्हाई वी यूज केबीआर एज अ कांस्टेंट इन द एफटीआईआर। बराबर, तो पहला हमारा उसको पॉइंट से पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। केबीआर ही हम सैंपल के साथ मिक्स करके केबीआर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे केमिकल है वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे, इसके लिए मैंने इधर पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। सो एक एक पॉइंट हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला है केबीआर का जो मोलिकुलर वेट है वो हायर है, उसको मोलिकुलर वेट 119, इसलिए हम यूज़ करें। सेकंड वन है जो केबीआर है वो हायर पोलर सब्सटेंस है, उसकी पोलरिटी भी सबसे ज़्यादा है इसलिए। और थर्ड वन है केबीआर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसमें वो कुछ भी रिस्पांस नहीं करता, मतलब इनएक्टिव है। बराबर, और जो लास्ट है नो रिस्पांस जो 4000 से 400 की रेंज है उसमें केबीआर कुछ भी रिस्पांस नहीं देता। और जो लास्ट है जो फिंगरप्रिंट रीजन है हमारा 400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो फिंगरप्रिंट रीजन से उसमें भी केबीआर रिस्पांस नहीं करता। रिस्पांस नहीं करता इसलिए कि जो सैंपल के साथ हम उसको मिक्स करके हम एनालिसिस करेंगे तो जो सैंपल के फंक्शनल ग्रुप है वही हमको स्पेक्ट्रम एज ए हमको आउटपुट मिलेगा और केबीआर का कहीं पे भी रिस्पांस नहीं आएगा, इसलिए हम केबीआर हम यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।